and I am so proud of on this salute to Indian Army. Oh, this is crazy, man. अबे यार पानी पीने का बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, but यहाँ कहीं पे भी shop नहीं है. Welcome back to the channel, guys. I hope you guys are doing absolutely fine and we are all set to leave this hotel क्योंकि अभी check out करने का time आ गया है. Okay. Bye bye room. We are officially left from here. अभी कुछ नाश्ता करते हैं, then after चलते हैं यार. ओके गाइस, सो ऑल दैट अभी ब्रेकफास्ट करके ख़त्म किया है क्योंकि ब्रेकफास्ट यहाँ का है, पता है, यहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये कि ये पंजाब से सटा हुआ, तो यहाँ पे पंजाबी बहुत ज़्यादा हैं और पंजाबियों की खासियत होती है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. ओके ऑल दैट, सो अपडेट ये है कि यार अब मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से अभी जाने का. मैं सोच रहा हूँ यार शाम को निकलूँ, बट अमित कह रहा है कि अभी निकलते हैं. लेट्स सी क्या डिसाइड होता है, देखते हैं अभी पहले नीचे चल के. तो सोलो ट्रैवलिंग इसीलिए मुझे अच्छी लगती है, लाइक खुद के मर्जी के मालिक हो, जब भी निकलो, जब भी जाना हो, जहाँ भी जाना, जो भी करो. सो लेट्स सी, कहाँ रह गया? सो लेट्स सी क्या करते हैं, देखते हैं, उसे कन्विंस करने की कोशिश करूँगा. सो अभी चलते हैं पहले रेलवे स्टेशन, अगर ट्रेन का हिसाब किताब देखते हैं. वाह यार कितना नीचे है, कैसे जा. अच्छा ये घर है इधर किस. ओ भाई सॉ, ये इतना ज़्यादा स्लोप है, देख लो, लाइक सीरियसली. यस चलो अभी नीचे चल करके देखते हैं और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, यहाँ से व्यू भी अच्छा है एंड साफ सफाई है. मेन चीज़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा साफ सफाई है यहाँ पे, इतनी साफ सफाई है ना कि लाइक. एंड ये देखो, और ये आपकी ट्रेन. इस ट्रेन के बारे में ऐसा सुनने में आया है, जैसा मुझे पता नहीं है, बट हाँ फिर भी जो भी मुझे पता है उतना बता देता हूँ. ये ट्रेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाई थी और वो अभी तक चल रही है. इंडियन रेलवे ने अभी तक इसको हटाया नहीं और ये इसीलिए ये वर्ल्ड फेमस है. एक्सक्यूज़ मी, कालका के लिए ट्रेन किस टाइम है? 2:20. एंड किस टाइम पहुँचाएगी? 8:00. तो अभी सीन ये है कि यहाँ से ट्रेन है 2:20 पे एंड वो हमें 8 बजे पहुँचाएगी कालका. सो आई डोंट थिंक सो कि आज ट्रेन की राइड हो पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है, क्यों, अगर 8 बजे अगर पहुँचेंगे अगर हम कालका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, अच्छा बस से ही निकल जाएंगे. रात में अगर हमें पहुँचना तो बस से निकल जाएंगे. एंड ये शिमला रेलवे स्टेशन एंड लुक एट दिस यार, मेरे पीछे देखो, लाइक इतना साफ सुथरा आज दिन तक का रिकॉर्ड है आपको कोई भी रेलवे स्टेशन इंडिया का मिला हो, चाहे वो न्यू दिल्ली का हो, मुंबई का हो, कहीं का भी हो. अभी तक जितनी जगह मैं गया हूँ अभी तक मुझे तो कहीं नहीं मिला है. यहाँ से जो व्यू है वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो तो अलग ही है. तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस ट्रेन की राइड करके जाएंगे हम कालका और कालका से देखते हैं दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए जो न्यू दिल्ली पहुँचाएगी हमें. तो ये क्या हो? मैं आपको एक बार टूर देता हूँ यहाँ का शिमला रेलवे स्टेशन का. अभी हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग 5:25 वाली ट्रेन पकड़ के आराम से कालका के लिए जाएंगे. और सो अभी टाइम है 5 घंटे हैं अभी यार, आराम से तो जाते हैं माल रोड और कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकालते हैं एंड कुछ वीडियोज़ निकालने की ट्राई करूँगा अगर अच्छी मिल गई तो. ओके गाइस, सो वन मोर अपडेट. अभी सीन ये है कि अमित गया, निकल गया दिल्ली के लिए, वो बस से निकल गया, उसकी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही हो रही थी, उससे ट्रैवल नहीं हो रहा था इतना, बट तुम्हारे भाई ने जब यार पैसे खर्च किए तो ट्रैवल तो पूरा ही करके जाएंगे, वसूल के जाएंगे. सो इसीलिए अभी मैं निकल रहा हूँ माल रोड के लिए. अब मज़ा आने वाला फाड़. अब थोड़ा फ्री सब फील कर रहा हूँ, ठीक है, जिस टाइम निकलना है जैसे निकलना है आराम से निकलो, अपनी मौज लो, क्योंकि भाई पैसे खर्च करके आए हो तो ऑब्वियसली बात है इतना तो बनता करना. एंड फ़ोटोज़ की तो भाई भरमार होने वाली है, मैं इंस्टाग्राम पर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ. प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो अगर नहीं फॉलो करो. ओके, दिस इज़ योर हिमाचल प्रदेश विधानसभा. ओके, सच्ची में यार आज पता लगा कितना ज़्यादा स्टेमिना पर वर्क करना है की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि लाइक फट के हाथ में आ गई, लेकिन इसी में एडवेंचर है, यही मज़ा है यार. एंड इसीलिए मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कोई भी चीज़ मैं हायर नहीं करने वाला हूँ, मैं पूरा शिमला में अब मैं
पूरे 5 घंटे पैदल ही निकालने वाला हूँ। एंड मेरे पीछे ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा। ओह गॉड, यहाँ पे इसके एक फ़ायदा है कि यार आपको ज़िंदगी में वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर तुम टहलते हो, घूमते हो, पर तुम्हें केवल पैदल चलना है, कुछ नहीं करना है, पैदल चलो, अपने आप वर्कआउट अपने आप ही होगा। वी हैव नो नीड ऑफ डूइंग वर्कआउट। ओके, सो वी आर हेयर एट हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड एंड लुक एट दिस मैन। माई कंट्री, माई मिशन, माई कॉमरेड्स, माई ड्यूटी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। या सल्यूट इंडियन आर्मी को। सो फाइनली लुक एट दिस, रियली सल्यूट इंडियन आर्मी को। एंड वी आर दी टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑन दिस। सल्यूट टू इंडियन आर्मी, लेट्स गो। दिस इज क्रेजी मैन। एंड अभी तो और भी ज़्यादा ट्रैक करना है, सच्ची में फटके हाथ में आ गई। आई एम सिटिंग नो वेयर इन द रोड एंड लुक एट द इंक्लाइंड। आपको वीडियो में नहीं दिख रहा है बट रियली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। अच्छा हुआ मैं, तू वापस चला गया, नहीं तो फटके हाथ में आ जाती रही। तुझसे नहीं हो पाता, मुझे पता है तेरा स्टेमिना कितना है, तुझसे नहीं हो पाता भाई। बहुत ज़्यादा हार्ड है बट इसी में तो मज़ा है, ये तो एडवेंचर है। बाकी का चलते हैं, अभी और चलना है, ज़्यादा दूर नहीं बचा बट हाँ पहुँच गया बस, लेट्स गो। अभी यार पानी पीने का बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है बट यहाँ कहीं पे भी शॉप नहीं है। अभी जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते, जब तक शॉप नहीं मिलेगी, एंड जब तक शॉप नहीं मिलेगी जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा। सो पहुँच के पहले पानी पीते हैं, बहुत एकदम गला सूख रहा है। एंड आई थिंक आई एम जस्ट फाइनली रीच बट डोंट नो, लेट मी चेक इज द प्लेस वेयर आई हैव टू गो और आई नीड टू ट्रैक मोर। तो अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ मुझे जाना था बट कहीं तो पहुँचे हैं। एक पानी की बॉटल लेते हैं, देन आफ्टर आई विल प्रोसीड। भैया एक पानी बॉटल चाहिए थी। हाउ मच फॉर दिस वन? 20। अब जाकर के थोड़ा सा सुकून मिला यार, पूरा गला सूख गया था। लेट्स गो। मन करता कुछ यार आइसक्रीम लिया जाए लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा आइडिया होगा क्योंकि गला ख़राब हो सकता है, तो अभी के लिए नहीं लेते हैं, बाकी का रेस्ट इस देखते हैं। चलो ओके, सो ट्रैक इज़ गोइंग स्टीपर बाय टाइम। ओ माई गॉड मैन, लुक एट दिस, हाउ स्टीपर इट इज़। एंड मेरे पीछे ये रहा वर्ल्ड फेमस जनरल पोस्ट ऑफिस। ये रहा, यस दिस इज़ अ वर्ल्ड फेमस जनरल पोस्ट ऑफिस, लेट मी एक्सप्लोर मोर। ओके फाइनली माल रोड पहुँच गया यार, एंड दिस प्लेस इज़ अ ब्यूटी मैन। लुक एट द प्लेस वेर आई एम पुटिंग माई वाटर बॉटल। बट या दिस प्लेस इज़ ब्यूटी मैन, लाइक यहाँ पे किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह फ़ोटोज़ के लिए तो यार बेस्ट प्लेस है। एंड आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही यार तारीफ़ कर रहा हूँ बट है यार ऐसी चीज़ ही है, तारीफ़ करने लायक ही चीज़ है। ओके किसी को ऑडिशन चल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी यार यहाँ के बारे में, ये यहाँ का अलग अलग मज़ा है। आप दिन में आओ उसकी अलग ब्यूटी है, और अगर आप रात में आओ तो उसकी अलग ब्यूटी है। सो इसको एक बार एक्सप्लोर करने में से कोई फ़ायदा नहीं आपको। ओह शिट, गॉड, मेरी यार बॉटल पता नहीं क्यों क्या हो जाता है यार। मेरा कुल्फ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, कुल्फ़ी लेते हैं, एक कुल्फ़ी चाहिए थी। हाँ सॉफ्टी हुई, एंड हियर इट इज़ मैन, दिस इज मेल्टिंग मैन, रियली अमेजिंग। आप लोग खाओ, सॉफ्टी खाते खाते अब हम एक्सप्लोर करेंगे। सॉफ्टी खाओ और एक्सप्लोर करो, मजे लो जिंदगी के। बट यार करूँगा कैसे, एक हाथ में बैग एक हाथ में कैमरा, खाऊँगा कैसे? काम करता हूँ, पहले खाता हूँ उसके बाद में आप लोगों के पास वापस आता हूँ। ओके सो सॉफ्टी इज़ डन एंड इट वॉज नाइस, लाइक काफ़ी अच्छी थी यार। इतना सोचा नहीं था क्योंकि और भी जगह खाई हूँ तो इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट
बहुत अच्छी थी वाली। एंड राइट नाउ आई एम हेयर एट चर्च गेट, जो शिमला में क्या बोलते हैं, जो आपका माल रोड पे जो भी फेमस चर्च है वहाँ पे हूँ अभी। चलो तो अभी पहले चर्च के अंदर चलते हैं, देन आफ्टर ये जहाँ पे कल मंदिर गए थे ना, तो वहाँ पे क्या रोपवे था तो मैंने वहाँ से नहीं कर पाया था। लेट मी चेक, अगर यहाँ से अगर मैं कर सकता हूँ तो आई विल ट्राई टू शो यू अराउंड। एक यार ब्लॉग के लिए तो इतना तो बनता है ना, लाइक एक ब्लॉग बनाने के लिए, एक कोई शॉट लेने के लिए कुछ ना कुछ तो बनेंगे। लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। पूरे वर्ल्ड में फेमस है लाइक, बहुत अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा। लेट मी चेक अराउंड क्या क्या चल रहा है। ओके आई थिंक एंट्री बंद है। ओके लेट्स गो, अभी चलते हैं रोप वे के लिए, एंड इफ़ इट इज़ वर्किंग देन आई विल फॉर श्योर आई विल ट्राई टू टेक अ राइड ऑफ रोप वे, एंड लेट्स सी कैसा रहता है क्या रहता है, क्योंकि बजट भी देखना पड़ेगा यार। बजट का थोड़ा सा कंसर्न चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कल खर्चा कर दिया था। सो ट्राई, एंड ये मेरी बॉटल फिर से गिर रही है। कुछ नहीं यार, सारी की सारी मेहनत बर्बाद गई, वहाँ तक गए हाइक करके, पूरा ऐसी देसी हो गई हाइक करने में, और वहाँ पे जाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो अभी रोपवे अभी बंद था। आई डोंट नो वाई बट दे वर लाइक कि इट विल ओपन आफ्टर 2 आवर्स, सो आई वाज लाइक आई कांट वेट टू फॉर 2 आवर्स। सो एक और चीज़ है, अमित फिर से वापस आ गया, उसको मैंने मना किया था कि मत जा, लेकिन फिर उसके चुल दिन ही नहीं, जाना है जाना, चला जा भाई, अब फिर से वापस आ गया, कह रहा भाई आता हूँ चर्च पे ही आता हूँ। सो लेट्स गो। यहाँ की पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये एरिया पूरा व्हीकल फ्री जोन है, एंड यहाँ की जो भी दुकान है या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा यूरोप से एकदम और लगभग यूरोप के सिमिलर है। सो आपको फील आएगी अगर आपको यूरोप ना जाने के, यूरोप जाने का अगर बजट नहीं, तो यहाँ पर आ सकते, आके आप लोग फील ले सकते हो यूरोप का। लुक एट दिस, लाइक लुक एट ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इज़ नॉट इट लुकिंग लाइक वी आर इन लाइक यूरोप, इज़ दिस नॉट। For me, it is. I don't know about you guys, but for me, it is. मैंने इसको मना किया था कि मत जा, शाम वाली ट्रेन से चलेंगे अपना आराम से, ट्रेन को अभी एंजॉय करेंगे, एंड इसको चल बची थी कि नहीं नहीं जाना है। मैंने बोला था भाई रात में पहुँचेगा, कहीं का नहीं रहेगा दिल्ली में भी। हुआ क्या ये बता दे, बस स्टैंड जाने के बाद क्या मज़ा मिला तुझे। अरे असल में वहाँ भी क्या, बस हर टाइम है, हर एक घंटे में, तो हर टाइम है, तो दिल्ली तो पहुँचने में टाइम ही लगेगा ना, तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, फ़ायदा क्या है। चलो अब हम दोनों मिलकर हम एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा लेंगे। ओके हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है क्योंकि हमारी DSLR की फिर से बैटरी ख़त्म होने वाली है, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि फ़ोटोज़ मुझे फ़ोन से निकालनी पड़े, तो दैट्स वाई आई विल ब्लॉग फ्रॉम एयर वेयर माई फ़ोन, एंड विल ट्राई टू चार्ज माई DSLR बैटरी, क्योंकि एक बैटरी मैं घर पर भूल आया हूँ, एंड आई होप कि यार कुछ अच्छे ब्लॉग्स निकल आएँ एंड ज़्यादा कुछ क्वालिटी डाउन ना हो। सो लेट्स गो, अभी जाएंगे कौन सा लकड़ी मार्केट है ना, लक्कड़ मार्केट, सो वहाँ पे देखते हैं कुछ यार खरीदने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा अगर मिल गया तो वहाँ से कुछ खरीदेंगे, देन आफ्टर विल प्रोसीड, विल शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। ओके रीच लक्कड़ मार्केट, एंड अबे यार मैं काला क्यों आ रहा हूँ, अच्छा अब ठीक है, फिर से वीडियो शेक होने लगी, सॉरी यार क्या करूँ, अब कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, बट यार लक्कड़ मार्केट है पता, लकड़ी का काफ़ी अच्छा अच्छा सामान है, एंड यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, एंड इफ़ यू वॉन्ट समथिंग वुलन देन यहाँ पर बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा। यार पता है यहाँ पे केवल एक ही गड़बड़ है, साला धूप हो रही है, धूप में मन नहीं कर रहा, बाकी अलबट जो ट्रैक किया ना उसमें मज़ा आ गया, पूरी बॉडी एकदम अपने आप ही, अब तो लग रहा है कि साला वर्कआउट करने की जिंदगी में जरूरत नहीं, यही करते रहो, एंड चल यार चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। चलो कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। ओके गाइस सो डन विद दी लक्कड़ मार्केट, एंड यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, बट जो मेन चीज़ जो मुझे मम्मी पापा के लिए जो चाहिए थे वो नहीं मिल पाई, थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बट हाँ सिस्टर के लिए कुछ अच्छा सा लिया है, आई होप कि उसे पसंद आएगा। ओके सो राइट नाउ आई एम हेयर एट पुलिस स्टेशन ऑफ शिमला, एंड दिस इज़ दी आई थिंक बेस्ट पुलिस स्टेशन, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग है यार क्या क्या खूबसूरत है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यार केवल जो ब्रांड्स हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उन्हीं के स्टॉल दिखेंगे, लोकल तो बहुत कम दिखेगा, सारे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लिवाइस से लेकर के प्यूमा से लेकर हर किसी का दिखेगा आपको यहाँ पे स्टॉल। Somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you.
takes care of your needs.